मृत्यु के बाद साथ जाती हैं यह पांच चीज। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होनी है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्म को छोड़कर उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है, परंतु आपको बता दूं ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण की माने तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर को जब जला दिया जाता है तब उस मृत आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है, और इस रास्ते में उसके कर्म के साथ साथ और भी जीवन काल में की गई चार चीजें साथ में जाती है। यानी कि मृत्यु के बाद मृत आत्मा के साथ साथ पांच चीजें हमेशा उसके साथ रहती है, और जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो यह पांच चीजें उचित समय आने पर आत्मा के साथ फिर से किसी न किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि वह पांच चीजें क्या है जो मृत्यु के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों गरुड़ पुराण में जिन पांच चीजों का उल्लेख किया गया है उसमें सबसे पहला है कामना। गरुड़ पुराण की माने तो पुनर्जन्म के समय कामना मनुष्य और दूसरे चीजों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोग करती है। कामना के अनुसार मनुष्य को न शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीजों की कामना करता है, इच्छा रखता है, उसके साथ मृत्यु के बाद भी वो कामना, वो उसकी अधूरी इच्छा चली जाती है। उसी कामना की पूर्ति हेतु, उसी इच्छा की पूर्ति हेतु उस मृत आत्मा को फिर से किसी न किसी शरीर का रूप ले करके इस मृत्यु लोक पर लौटना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु जब करीब आए तो मृत्यु करीब आने पर सब चीजों की इच्छा त्याग करके केवल ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना लिए चले गए तो फिर यह शरीर में आपको लौटना ही पड़ेगा। कामना के बाद जो दूसरी चीज है मनुष्य के साथ जाती है वह है वासना। गरुड़ पुराण की माने तो कामना वासना का हिस्सा थी। वास्तव में एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर जब भी मृत आत्मा वासना से मुक्त नहीं हो पाती है, अब सवाल उठता है कि क्या है। मैं आपको बता दूं, सांसारिक सुख की चाहत वासना, वासना की पूर्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के समय में, जिस मनुष्य की मृत्यु होती है, मृत्यु के समय में अपने जीवन साथी, बच्चों से, परिवारजनों के बारे में सोचता रहता है, साथियों से मिलने वाले सुख दुख के बारे में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु समय में सोचता रहता है और अपनी अधूरी चाहत को लेकर के छटपटाता रहता है, इसी छटपटाहट में उसके प्राण निकल जाते हैं। गरुड़ पुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन भी किया गया है, जिसके अनुसार एक राजा की चाहत थी हिरण के बच्चे की। हिरण के बच्चे के बारे में सोचते हुए ही उनके प्राण निकल गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्वेश्चन में राजा भरत को स्वयं हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना की मृत्यु के करीब आने पर मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के समय आप जो भी इच्छा रखते हैं, जिस चीज की भी इच्छा लिए प्राण त्यागते हैं, अगला जन्म उसी योनि में होना निश्चित है। मैं वासना के बाद आपको जो दूसरी चीज बता दूं, मृत्यु के बाद भी इंसान के साथ बने रहती है, वह उसके द्वारा जीवन भर किए जाने वाला कर्म। गरुड़ पुराण की माने मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह मृत्यु के बाद उसके साथ सदैव बना रहता है। गीता में भी कहा गया है कि कोई भी बिना एक पल भी नहीं रह सकता है कर्म किए बिना। मृत्यु हो जाने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की स्थिति को समेट लेती है। यह मनुष्य को परलोक में सुख और दुख देते हैं, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की माने तो
कर्म की गति तो ऐसी ही कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में मिलता है। बालों की शैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है, तो श्री कृष्ण उन्हें एक एक पूर्व की घटना याद दिलाते हुए कहा कि जौनपुर की आपके कारण एक एक करके मृत्यु ऐसे ही हुई थी, इसलिए आप वालों की शैया पर लेटे हुए हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जिन भी कर्म करे, जैसा भी कर्म करे, अच्छे कर्म करे, ताकि उसे दूसरे जन्म में उसके कर्मों का अच्छा फल मिल सके। कर्म के बाद गरुड़ पुराण में कर्ज का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार इंसान को चाहिए कि यदि वह जीवित रहते हुए किसी से कर्ज ले तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए, क्योंकि लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्ज दिया था जब परलोक में आता है तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यहाँ के दूध कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काट काट कर खाता है, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता, अगले जन्म में भी कर्ज पीछा नहीं छोड़ता है और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए मित्रों, यदि आपने किसी से भी कोई कर्ज लिया हो तो उसे मरने से पहले अवश्य ही चुका दे, ताकि क्वेश्चन में आपको किसी तरह का कष्ट न उठाना पड़े। कर्ज के बाद जिस चीज के बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है वह है पुण्य, जो मृत्यु के बाद भी मृत आत्मा के साथ यमलोक से लेकर के दूसरे चरण तक बनी रहती है। पुण्य, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब भी कोई अपरिचित आपकी करोड़ों मदद करता है तो यह समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्मों का पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे गए धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर आपके काम आता है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण रूप से धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा, दशहरा, मकर संक्रांति कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता है और यह पुण्य जन्मों जन्मों तक आपका साथ बना रहता है। इसलिए मनुष्य रूपी जीवन में गरुड़ पुराण में बताए गए इन सभी चीजों का ध्यान रखें, ताकि मृत्यु के बाद आपको सदगति प्राप्त हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा बताई हुई ये जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।